विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हनीश जनार्थन ने शुक्रवार को विधिवत कांग्रेस की सदस्यता वापस ले ली। उनका सदस्यता फॉर्म कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की उपस्थिति में भरा गया। हरीश जनार्था के वापस आने पर शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह के साथ साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। हरीश जनार्था की कांग्रेस में वापसी होने से समर्थकों में खासा जोश देखने को मिला। पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ हरीश जनार्था ने कांग्रेस में वापसी की और इस मौके पर उनके समर्थकों ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर जोरदार नारेबाजी के बीच पटाखे फोड़कर खुशी जताई। उल्लेखनीय है कि जनार्था के निष्कासन को बीते रोज ही कांग्रेस ने रद्द करते हुए उन्हें पार्टी में वापस लिया है। हरीश जनार्था ने शुक्रवार को अपने सैकड़ों समर्थकों सहित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर वापसी के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह, आनंद शर्मा, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और राहुल गांधी का धन्यवाद किया है। धन्यवाद करना चाहूँगा जी हाईकमान का, श्री राहुल गांधी जी का, राजा वीरभद्र सिंह जी का, कुलदीप राठौर जी का और यहाँ के प्रभारी हमारे पटेल मैम का और कोटली जी का और विक्रमादित्य सिंह जी का कि मुझे एक बार और मौका मिला है पार्टी की सेवा करने के लिए। और आज हम यहीं से जितनी भी हमारी टीम आई है, खासकर शिमला शहर की और डिस्ट्रिक्ट शिमला से जो लोग आए हैं, आज हम वचनबद्ध है कि हम पूरे प्रयास करेंगे और हम विश्वास दिलाना चाहेंगे हाई कमांड को भी कि आपका हाथ हम मजबूत करेंगे। एटलीस्ट ये सीट हम जोरों शोरों से मेहनत करके निकालेंगे और साथ साथ और भी जगह जहां चारों सीटों में हमारा कुछ भी कोई कॉन्टैक्ट है, लिंक है, वहां पे भी हम मेहनत करेंगे। सर, अगर गुटबाजी होती तो मैं कहीं और भी जा सकता था, कुछ और भी कर सकता था। हमारे पास कभी गुटबाजी नहीं रही है। वो कुछ ऐसे समीकरण बने थे, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सोचा है कि उस टाइम जो समीकरण थे वो गलत हो गए थे, तो हमने एक लोगों के कहने पर और अपने सपोर्टरों के कहने पर हमने एक लड़ाई दी, अदरवाइज बीजेपी कम से कम 20-22 हज़ार वोटों से जीत जानी थी। वही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि हरीश जनार्था की वापसी से पार्टी को लोकसभा चुनाव में मजबूती मिलेगी। पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। कल जो बयान आया था अखबारों में मैंने पढ़ा, उसमें कहा गया कि 48 घंटे का उन पे बैन लगा है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि पुष्टि नहीं हुई। अगर बैन लगा है तो ठीक है, लगना चाहिए, और मुझे लगता है अगर लगा तो ये बहुत कम है। उन पे तो पूरे चुनाव तक जो है बैन लगना चाहिए, क्योंकि जो जिस ढंग की अभद्र अश्लील भाषा का उन्होंने उपयोग जो है राहुल गांधी जी के लिए किया और उसके बाद प्रियंका गांधी जी के लिए किया, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने तमाम मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को जो है पार किया है। ये बिल्कुल निंदनीय है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो जिस संगठन आरएसएस से आते हैं, वहाँ कहा जाता है कि देश की संस्कृति, देश की कल्चर की बात होती है, संस्कार की बात होती है। अगर उनकी स्कूलिंग जो है आरएसएस में हुई है, तो मुझे लगता है कि अगर वहाँ यही सिखाया जाता है तो मुझे इस बात का जो है बहुत अफसोस है। आदर्श मजर के लिए शिमला से प्रियंका चौहान की रिपोर्ट।